नमस्कार, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। आइए आज के 10 मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना महामारी एक बार फिर देश में अपने पैर पसार रहा है। सिंगापुर, अमेरिका और चीन समेत कई देशों में कहर बरपाने के बाद इसके नए वेरिएंट JN.1 ने देश में भी दस्तक दी है। केरल ने इस नए वेरिएंट की पुष्टि के बाद कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। संसद से सांसदों के निलंबन और संसद सुरक्षा चूक की घटना को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, NCP प्रमुख शरद पवार समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिमी चीन के गांसु और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से मारे जाने वालों का आंकड़ा 111 के पार पहुंच गया। 200 से अधिक लोग घायल हो गए, कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके अलावा अदालत ने सर्वे जारी रखने की छूट दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत में चल रहा वाद सिविल वाद 6 माह में निस्तारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर और बढ़ेगा। 22-23 दिसंबर तक ठंडी हवाएं इसी तरह से कंपाती रहेंगी और आज से रात के तापमान में बड़ी गिरावट के आसार हैं। क्रिसमस और नए साल पर होने वाले आगामी कार्यक्रमों की सुरक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस पहले ही आदेश जारी किया है। इन दिनों आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को आयोजन की अनुमति के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। लखनऊ पुलिस ने कहा कि अगर कोई भी बिना इजाजत कोई कार्यक्रम आयोजित करेगा या ऐसी कोई सूचना मिली तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब अकुशल श्रमिकों को देश में आने से रोकने के लिए अपने वीजा नियमों को सख्त करता जा रहा है। अब किंगडम ने घोषणा की है कि वो अपने व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 160 से अधिक देशों के लिए लागू करेगा। अब इन देशों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक टेस्ट पास करना होगा। सऊदी श्रम अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य श्रम बाजार को रेगुलेट करना और अकुशल श्रमिकों को सऊदी में आने से रोककर कुशल श्रमिकों को लाना है। कैश फॉर कैरी और सांसद के तौर पर अपना विशेषाधिकार के दुरुपयोग के अपराध में संसद की सदस्य से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी फौरन राहत नहीं मिली। महुआ ने सरकारी बंगला खाली कराने के लिए दिए गए आवास विभाग के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 4 जनवरी तक टाल दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट हुई के बैठक में NCR के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहित नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराने जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह अवरल टाइम्स से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।